एज अ स्टूडेंट भी मैं कितना पढ़ सकती हूँ और मैं यहाँ पे एज अ टीचर भी सीख रही हूँ। तो अकेडमी के बारे में कहते हैं, ये जो अकेडमी है, हम कहते हैं कि किसी भी अकेडमी में जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले हम उनका क्राइटेरिया चेक करते हैं कि हम इस अकेडमी को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनके किस तरह के स्टाफ मेंबर जो है वो हमें टीच कर रहे हैं, सिस्टम क्या है, हमें रिजल्ट्स क्या ये शो कर रहे हैं, इनका जो कैंपसेस है, इनके इन्वायरमेंट्स क्या है। इसके साथ ही साथ हम अपने एक ओवरऑल टीचर्स की जो है उसमें हम देखते हैं कि ये किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में जो अपना काम है वो सरंजाम दे रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं किसी भी, जब हम जाते हैं यहाँ पे हम अकेडमी में होते हैं तो हम किसी इस लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी भी सूरत जो है वो ये नहीं होता कि हम उनको बिल्कुल जीरो होते हैं, बल्कि हम मतलब हमने यहाँ पे ये नहीं देखना कि आप कौन सी डिग्री होल्डर है, हमने यहाँ पे वो देखना है कि आप इनको हमने चलाना कैसे है। तो इसी तरह जैसे हम अपना आपको यहाँ पे जो हमारे कैंपस लाइफ है वो आप शो करवा रहे हैं, कैंपस लाइफ में किस तरीके से फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं और उसको किस तरीके से उनको मोटिवेट करते हैं। यहाँ के जो हमारे हेड हैं वो सर सैयद अवैस गिलानी हैं, जो डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे जो अदर टीचर्स हैं वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो हमें टीच कर रहे हैं। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ भी काम है, हमारा ऑनलाइन भी साथ साथ काम चल रहा है, सीएसएस के भी हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, हमारे ऑन कैंपस भी है, लेकिन पेंडेमिक कोरोना की वजह से जो है हम उसको हमारे वॉइसेस क्यों हो। मैम सो हेलो मच डिस्टॉर्शन इन योर वॉइस। यस हेलो सबा, यस सबा, योर वॉइस इज क्लियर बट देर इज अ बिट ओके। सो यहाँ पे हमारे भी ये हमारे सीएसएस के जो कैंप चल रहे हैं, बैजेस चल रहे हैं, उसके साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन सेशंस में भी हमारा स्टूडेंट फीडबैक में भी बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। सर काइंडली नेक्स्ट स्लाइड मूव कीजिएगा। ओके ये देखें यहाँ हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं। जब हम किसी भी एकेडमी में देखते हैं तो रिजल्ट में हमें देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो हमें क्या गारंटी दे रहा है, हमें क्या जो किसी भी इंस्टीट्यूशन की रिलायबिलिटी है वो उनके रिजल्ट्स ही शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सीएसएस के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फीडबैक्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे शो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे एफपीएससी पीपीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पे भी पेज है, उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप में आपका डाटा डेली बेसिस पे आपको मिलता है। आपके टीचर्स जो हैं, आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो सारे आपके साथ इंटरेक्ट होते हैं, इसमें आप किसी भी टाइम उनको मैसेज कर सकते हैं, वो आपको उसका इंडिविजुअल जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको। साथ आपको यहीं पे आपको नोट्स भी प्रोवाइड देते हैं, कैंपस से भी नोट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, और अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो वो आपको मैडम से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको उसमें भी उनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट में जो है हमने यहाँ पे बताना है कि हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स जो हैं, हमारे सर जैन जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, जैसे कि सर जैन, सर जमान, सर जमील, सर अब्दुल कदूस, इसी तरह वो डिफरेंट जॉब्स पे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, और वो हमें जो है काफी जो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो हमें टीच करते हैं। और ये हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ऑल गवर्नमेंट जॉब से है, वो हमारा वन पेपर जो भी हमारा आता है हमने उसके लिए हमने ये सेमिनार कंडक्ट किया है, ताकि उसमें हम आपकी जहाँ तक हो सके हम हेल्प आउट कर सकें। और जो हमारा सेशन होता है वो 40 डेज का सेशन होता है, और ऑन कैंपस भी होता है और ऑनलाइन भी होगा। तो वो आपके जो आपका स्टार्ट हो रहा है, जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है वो 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, और जो ऑन कैंपस क्लासेस की टाइमिंग होगी वो 7 to 8 PM होगी, और जो ऑनलाइन तो होंगे जूम में ऐप में होगी वो 8 to 9 PM में होगी। सो जो नेक्स्ट आपके फर्दर डिटेल्स जो बताएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बताएंगे, वो आपको सर जैनुल आबिदीन बताएंगे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। So before that, Sabah, I would like to take few minutes with students. Thank you for your participation and और general वो आपको introduction about academy.
स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, योर वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके सबा, यू कैन गो नाउ। थैंक यू। जी, तो आई एम सईद अवैस किदानी, आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इंस्टीट्यूशन आई वर्क फॉर प्रीवियस 7 ईयर विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड हायर्ड many of students like you that were, you can say, aaj jis stage pe aap log baithe hain, aaj se takriban ko 10 saal pehle hum bhi stage pe the, phir hum is process mein aaye, to hamara takriban ko 7 se 8 saal ka jo experience hai wo yahi hai ki humne kis tarah students ko us grade pe dekha ki unhone aake jab taiyari start ki to bilkul grassroots level se scratch se shuru kiya, kyunki aapke jo subject hote hain student, जो आपने डिग्री जिनमें ली होती हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिकली आपको उस डिग्री लेवल पे एक्सपर्ट जरूर बना देते हैं, लेकिन जब आप वन पेपर की तरफ आते हैं, जब आप फील्ड में आते हैं, आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करनी होती है। अच्छा, आपने आपको सब म्यूट रखें यार, क्वेश्चन जो आपके होंगे वो एंड में लेंगे, सब अपने आप को म्यूट रखें। वहाब अहमद, आप जब भी अपनी डिग्री कम्प्लीट करते हैं तो हर स्टूडेंट की जो पहली ख्वाहिश होती है वो ये होती है कि उसे अच्छी गवर्नमेंट एलोकेशन मिले। उसके लिए फिर उसका जिन यू कैन से एग्जाम से पाला पड़ता है, कुछ लोग सीएसएस पीएमएस की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो वहां नहीं जाते फिर वो एफपीएससी पीपीएससी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, इनमें उन्होंने अपेयर होना होता है। तो जिस तरह के आज का हमारा सेशन वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एड हमारे पास आ चुके हैं, और उसके अलावा एफपीएससी पीपीएससी और डिफरेंट जॉब्स की जो उनसे एड है वो आते रहते हैं। तो मैर में भी आपको लास्ट में जो उनसे है ना उसके आंसर देता हूँ आपके क्वेश्चन का, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वहीं आप चैट में लिख लें, आपको लास्ट में हमारा जो भी पार्टिसिपेंट वहाँ पे मौजूद होगा आपको आंसर करेगा। आई होप कि मैं खुद भी यहीं मौजूद हूँ आपके साथ, अभी मेरी कोई क्लास नहीं, तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर सब लास्ट में दूंगा। तो हमने आपका जो कोर्स डिजाइन किया है स्टूडेंट, सबसे पहले उसकी जानिब आ जाए कि आप जब हमारे पास आएंगे तो हाउ वी विल मेक यू बेस्ट फिट फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, आपकी डिग्रीज हो सकता है किसी स्टूडेंट की मैथ में डिग्री हो सकता है किसी स्टूडेंट का मेडिकल बैकग्राउंड हो, किसी स्टूडेंट का यू कैन से इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड हो, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो। जब आप सब हमारे पास आएंगे तो आई होप कि आप सब जॉन से आफ्टर 16 टू 18 ईयर ऑफ एजुकेशन किसी न किसी एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जरूर हैं। अब जब भी आप अपनी मास्टर या ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो ये आता है कि मार्केट से आउटडेटेड बुक्स खरीदें, और वो जिसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, तो हम उस लिहाज से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि हम कहते हैं कि चलें एक सब्जेक्ट है तो हमारा बैकग्राउंड है, तो बाकी सब जो है ना वी विल बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हम उस बुक को उठाते हैं, उस बुक से देखते हैं, अच्छा कुछ पार्ट इंग्लिश का पढ़ लिया, कुछ कंप्यूटर साइंस का पढ़ लिया, कुछ मैथ्स का पढ़ लिया। अल्टीमेटली होता क्या है, जब एग्जाम में अपेयर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स 45 मार्क्स, और इन अदर केस उनका जीपीए जो उनकी डिग्री होती है जिसमें वो मास्टर्स कर रहे होते हैं वो 3 से अबव भी होता है, 3.5 भी होता है, लेकिन यहाँ जो उनके नंबर हैं वो आ रहे होते हैं 40 और 45। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो उनसे वो इतने लो स्कोरिंग क्यों रखते हैं। द मेन रीजन बिहाइंड इट इज कि वही बात की जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। अगर आपने स्टूडेंट एफ पी एस सी पी पी एस सी या ऑल गवर्नमेंट जॉब जो आते हैं उनके लिए अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करना है, आपने उस सीट पे पहुंचना है जो एक आपका ड्रीम टारगेट है, तो उसके लिए आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स को जोन सा है वो अपनी फिंगर टिप्स पे करना पड़ेगा। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं फर्स्टली जो आपको मोस्टली ऑल गवर्नमेंट जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं? बेसिकली देर आर 9 बेसिक सब्जेक्ट। जब आपका सिलेबस आपके सामने आता है तो दे माइट बी 3 और 4 मेंशन, बट बेसिकली ये 9 बेसिक सब्जेक्ट हैं जो पीछे चल रहे होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, पाक ज्योग्राफी और वर्ल्ड अफेयर का नाम दिया गया आपके सिलेबस में। ये सब्जेक्ट वो हैं जो आपके जीके में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, जनरल साइंस एंड मोबिलिटी है, मैथ्स है, इस्लामिक स्टडी और उर्दू है। उर्दू हर जॉब में रिक्वायर्ड नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उर्दू भी जोन सी वो अब रिक्वायर्ड होती है। और फिर जो दूसरी चीज हमने यहाँ पे देखनी है, ये सब सब्जेक्ट तो हमारे सामने आ गए, अब एग्जामिनर क्या वेटेज हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है, माइट बी अ चांस कि एग्जामिनर 40% आपसे इंग्लिश डिमांड कर रहा हो और 10% आपसे जीके डिमांड करे। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट काम करना है इस ग्रेड पे जब आप हमारे पास आ गए, आज आपकी फ्री ओरिएंटेशन है, ये पॉइंट्स लिखते जाएं कि आपने एग्जामिनर की डिमांड के मुताबिक अपने सिलेबस को सेट करना है। ठीक है, आपने एग्जामिनर की डिमांड के मुताबिक अपने सिलेबस को सेट करना है कि आपसे जो पूछा जा रहा है
वो आपने किस तरह उसको जो उनसे शॉर्ट टाइम में जस्ट इन द डेज ऑफ 40 टू 45 डेज आपने किस तरह चीजों को कवर करना है. व्हाट वी विल डू इज कि हमने इस तमाम जो सिलेबस है इसको चू अप करके जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं पकी पकाई खिलाना आपके लिए, वो पकी पकाई खीर हमने तैयार कर ली है जिसमें हमने आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट जो उनसे बेसिक आपको रिक्वायर्ड है कि सारे फ्रॉम द ग्रास फ्रॉम द स्क्रैच रूट लेवल हमने इसको कवर करने है. उसके लिए अब क्या है जिस तरह इंग्लिश है फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश को देखें तो स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर ये जो कुछ की पार्ट्स आपके सामने मेंशन है जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फाउंडेशन कोर्स ऑफ इंग्लिश दैट इंक्लूड्स योर टेंसेज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर योर पेयर ऑफ वर्ड्स योर दीज ऑल मतलब वोकैबुलरी नरेशन ये बेसिक वो चीजें जो आपकी इंग्लिश में इंक्लूड होती हैं. इसके अलावा जो इससे अलावा नेक्स्ट लेवल पे चीज आती है वो आती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. तो ये दो पार्ट आपके बन जाते हैं इंग्लिश में. हेयर इन विजन सीएसएस एकेडमी व्हाट वी विल डू इज कि हम आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यहाँ से आपको टेंसेस करवाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है ये आपको इंग्लिश जोन है ये आपको सर जमानुल्लाह खान करवाएंगे जो हमारे पास सीएसएस पीएमएस को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और माशाल्लाह लास्ट टू इयर्स में एक एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहा है हमारा वन पेपर का भी सीएसएस पीएमएस का भी. जिस तरह के सब आपको जनरल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अकेडमी का दे चुके हैं कि इन लास्ट टू ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 130 प्लस स्टूडेंट हमारे जोन से ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं और हर सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट जोन से वो अल्लाह के करम से बहुत अच्छा जा रहा होता है. और उसकी रीजन क्या है कि हम ये चीजें आपको ग्रास रूट लेवल से कवर करवाते हैं. हम आपको ये नहीं करते कि आउटडेटेड नोट्स दे दे आपको के पढ़े. देखिए मैं अक्सर एक बात सेमिनार में कहता होता हूँ कि स्टूडेंट चाहे एग्जाम क्लियर करे या ना करे जब वो अप्लाई करेगा तो वो मार्केट से एडवांस डोगर ऐसी आउटडेटेड बुक जरूर खरीदेगा. और अगर 20,000 लोग एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो 20,000 में से को 18-19,000 लोग वो जिन्होंने इन्हीं ऑथर्स की बुक खरीदी होती है अल्टीमेटली दे विल नॉट गेट अ मार्क्स. देर आर टू वेज टू कवर दिस वन पेपर एग्जाम स्टूडेंट. आज हम 8-9 साल के एक्सपीरियंस के बाद खुद गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बाद जब इस स्टेज पे आए हैं अब अराउंड 500 पीपल्स वो थे जिनको मैंने हायर किया फ्रॉम डिफरेंट फेजेस एंड डिफरेंट प्लेसेस जिसके अंदर मेरा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर था और उसके अंदर भी जॉन से था अराउंड 250 पीपल्स हमने हायर करने थे फॉर अ प्रोजेक्ट. ठीक है तो उसके अंदर जो हमने चीजें देखी कि स्टूडेंट जिस चीज से मार खा रहे होते हैं जो मेन प्रॉब्लम उन्हें आ रही होती है वो मेन प्रॉब्लम जो उन्हें आ रही होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि उनकी जो उनसे इंग्लिश क्लियर नहीं होती. जब आप उस फेज से गुजर भी आते हैं आउटडेटेड बुक्स खरीदते हैं आप देखते हैं कि आपने इंग्लिश की बेस चाहे किसी तरह भी किसी की है किसी की नहीं है कोई इम्प्रूव करे कर ली. होता क्या है कि आप क्या करते हैं बेसिकली कि जब आपकी इंग्लिश क्लियर नहीं होती तो ऑटोमेटिकली जब आप हमारे पास इंटरव्यू में आते हैं वहाँ भी क्लियर हो जाता है कि आपकी जो उनसे इंग्लिश है उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है. ठीक है तो उसके लिए क्या हमने करना है कि हमने आपकी इंग्लिश को फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल जो है फ्रॉम द बेस उसे कवर अप करना है. उसके लिए दो तरीके होते हैं जो बात मैं आपको पहले कर रहा था. वन वे इज कि आप कोई एटलीस्ट 40-45 एग्जाम्स में अपेयर हो आपका एक्सपीरियंस हो आपको पता चले कि चीज़ों को किस तरह करना है एक वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है. दूसरी क्या ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी इदारे को ज्वाइन करें आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बताया जा रहा हो कि किस तरह एग्जाम कंडक्ट होता है किस तरह एग्जामिनर एज एन एग्जामिनर हम क्या सोचते हैं एज अ पेपर सेटर हम क्या पेपर सेट करके देते हैं उसके मुताबिक आपको चीजें करवाई जाए. उसके अंदर दो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट फर्स्ट इज योर इंग्लिश सेटिंग सेकंड इज योर मैथमेटिक्स. ये दो सब्जेक्ट हैं जो हमेशा हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से करवाते हैं क्योंकि जो आपकी बिल्कुल बेस हमारे लिए आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं जब यहाँ पे आएंगे तो वी विल ट्रीट यू जस्ट ऑन वन पेज. हमें इस चीज से गर्ज नहीं कि आपका एमफिल इंग्लिश में है या आपका एमफिल स्टैटिस्टिक्स में वी विल ट्रीट यू ऑन वन पेज. हम आपको फ्रॉम द बेस फ्रॉम द फाउंडेशन जोन से आपकी इंग्लिश कवर करवाएंगे फिर आपकी मैथ्स कवर करवाएंगे फिर जो सब्जेक्ट आपके मेरे साथ हैं आपके दो सब्जेक्ट मेरे पास होते हैं करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडीज जिनका मेरा बैकग्राउंड है पीएचडी मेरी पब्लिक पॉलिसी में चल रही है और गवर्नमेंट सर्विस में जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो भी इसी से रिलेटेड रहा है और फर्दर जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ 2 साल से सीएसएस पीएमएस को वो भी यही सब्जेक्ट है. ठीक है तो उसके अंदर जोन से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते जो मेरा सब्जेक्ट है जिसमें आप करंट अफेयर इधर जो आपके सामने नाम लिखे हुए हैं वर्ल्ड अफेयर ठीक है पाकिस्तान ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली ये पार्ट है आपके करंट अफेयर के. ठीक है अब एग्जामिनर इसमें क्या करता है एज अ पेपर सेटर व्हाट वी विल डू व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर फॉर इधर पीपीएससी एफपीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम. सो वी विल डू जस्ट कि हम इस आपके करंट अफेयर के पार्ट को बेसिकली 3 सब पार्ट में डिवाइड करेंगे. वो 3 सब पार्ट्स क्या है को बता सकता है कि करंट अफेयर फर्दर 3 सब पार्ट किसमें डिवाइड होती है
बेसिक जो करंट अफेयर के थ्री मेन पार्ट्स है स्टूडेंट, एज एन एग्जामिनर वी विल डिवाइड इट इनटू थ्री लेयर्स. फर्स्ट विल बी योर नेशनल अफेयर्स, सेकंड विल बी योर रीजनल अफेयर एंड थर्ड विल बी योर इंटरनेशनल अफेयर. ठीक है, हम जब भी पेपर बनाते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देखें, अगर आपको हमने ये कहा है कि आपकी 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो करंट अफेयर या जीके से आना है, तो वी विल डिवाइड दिस 15 मार्क्स इनटू थ्री लेयर्स. फाइव क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर नेशनल अफेयर्स, फाइव फ्रॉम रीजनल अफेयर एंड फाइव फॉर इंटरनेशनल अफेयर. अब अभी मैं आपको सिलेबस समझा रहा हूँ कि एज एन एग्जामिनर हम क्या सोचते हैं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम ये सब कुछ कैसे कवर करेंगे. नोट्स भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा. ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह ताला आज आपका सेशन मेरे साथ ये भी चल रहा है. जैन साहब जो अभी तक ऑफिस में बिजी है, तो इंशाल्लाह ये चीजें मैं आपको क्लियरिफाई करवा लेता हूँ. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस. अगेन कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, जब हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, कुछ लोगों का कंप्यूटर स्किल जो इंप्रूव्ड होती है, कुछ लोग वो होते हैं जिनको बेसिक इनपुट आउटपुट का नहीं पता होता. तो उसके लिए अगेन हमने कंप्यूटर साइंस में भी एक क्लास आपकी कंप्यूटर फाउंडेशन की होनी है, जिसको बेसिक फंडामेंटल्स कहते हैं. सो व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट, व्हाट इज आईसीयू, व्हाट इज यू कैन से बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, एंड दिस इज ऑल जो आपके बेसिक जो लेवल है, वो चीजें जो सी आपकी कंप्यूटर साइंस की, वो भी इंशाल्लाह आपको कवर अप करवाई जाएंगी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जनरल साइंस का पोर्शन. जनरल साइंस अगेन इट माइट बी अ पार्ट ऑफ जीके. जीके में भी आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन दे देता है, जस्ट लाइक फॉर्मेशन ऑफ स्काई, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, डिफरेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं. तो वो सब कुछ का क्वेश्चन जो से आपके जनरल साइंस एंड मोबिलिटी के पार्ट में आते हैं. ठीक है, अब उर्दू है, उर्दू में बेसिक हमारे एक नोट्स हैं, वो 4 to 5 पेजेस की इनफ होते हैं, जिसमें आपने चीजें कवर कर लेनी होती हैं. जो पाक अफेयर है, जो कि जैन साहब का सब्जेक्ट है, जैन साहब क्योंकि इस टाइम खुद सर्विंग गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो अभी तक उन्होंने ऑफिस में लेट हो गई, मुझे उन्हीं की कॉल आ रही थी, तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ कि चीजें हमने किस तरह कवर अप करनी. तो ये स्टूडेंट पहली जो हमारी आज की डिस्कशन थी कि आपका सिलेबस क्या होता है एग्जाम्स के लिए. अगर आपको मैंने जो जरा क्रक्स जो उनसे सारी गुफ्तगु का जो लास्ट 10 मिनट्स की आपकी मेरे साथ हुई है, वो ये है कि आपने अगर वन पेपर एग्जाम इधर FPSC, PPSC और एनी अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर करना है, तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके कवर करना बहुत जरूरी है. नंबर वन, ठीक है. नंबर टू, अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अच्छा स्कोर करें, तो उसके दो रास्ते हैं. एक रास्ता ये कि आप एटलीस्ट 40 to 50 पेपर्स देंगे, और 40 to 50 पेपर्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि चीजों को कैसे कवर अप करना है. ठीक है, और सेकंड वे ये कि आप किसी इदारे को ज्वाइन करेंगे, उन लोगों के पास आएंगे जो आपके मेंटोर, जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिन्होंने लोगों को इस प्रोसेस से गुजारा है, वो आपको उस स्टेज के लिए वेल प्रिपेयर्ड कर देंगे कि ये रिक्वायरमेंट है, ये चीजें आपने इस तरह कर रही हैं, उसके मुताबिक वो आपकी चीजों को कवर अप करवा देंगे. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इस एग्जाम को कवर करने के. अब इस टेस्ट में जैसे कि आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने होते हैं, 100 मार्क्स का आपका ये टेस्ट होता है, 3 आवर्स आपके पास टाइम अलाउ होता है, सिलेबस हम देख चुके हैं, उसका ब्रेकअप ये होता है जो अब आपके सामने आ गया. ठीक है, ये जनरल ब्रेकअप है जो जितनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम है, एक्सेप्शनल केस में उसने आपको दिया होता है कि आपने जो आपका जो जो फील्ड रिलेटेड है उसके MCQs, वो फिर आपको हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं हर फील्ड रिलेटेड के लिए. उसमें आपकी पाक स्टडी नॉर्मली मोर और लेस 15% होती है, इस्लामिक स्टडी 15%, EDS 15%, GK करंट अफेयर 15%, IT एंड मैथ 15%, एंड उर्दू विल बी जस्ट 10%. ये आपका जनरल ब्रेकअप होता है जो आपकी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड होता है. अब दो ऑप्शन है स्टूडेंट, एक तो आपको आउटडेटेड नोट्स उठाएंगे और अपनी मर्जी से जब आप खोलने बैठेंगे तो हो सकता है 10 दिन आप इंग्लिश पढ़ने पर लगा दें, एंड पे आपके चले जी करंट अफेयर 2-4 दिन पढ़ लेते हैं, जो पुराने MCQs होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे. अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका जो, क्योंकि ये कंपेटिटिव एग्जाम है, इसमें ऊपर वही जाएगा जिसकी इन तमाम पोर्शन पे ग्रिप है, और इन तमाम पोर्शन पे ग्रिप करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें से क्वेश्चन कितना आना है, उस क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या क्या कुछ करना है, क्या एग्जाम ट्रेंड चल रहा है. देखिये आपने अभी एग्जाम देना है, हम लोग क्या है कि हम लोग फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स और इसके पीछे की बात करें तो हम इस ट्रेंड में हैं, हम देख रहे हैं कि एग्जाम सेटर में पेपर में आपसे क्या पूछा जा रहा है. हम खुद भी जो हम में से लोग जितने भी गवर्नमेंट सर्विस में मौजूद हैं, हम खुद उस फेज से भी गुजरे हुए हैं, और उस फेज से गुजरने के बाद हम आपको उस फेज तक ले जाने के लिए बेसिक ना सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उन ट्रेंड्स को देख रहे हैं कि एग्जामिनर क्या करता है आपके साथ. तो उन ट्रेंड्स का जो ब्रेकअप है, वो जो क्रक्स है, हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे. कोई भी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी. सो व्हाट विल बी आवर मेथोडोलॉजी टू कवर दिस ऑल. ठीक है, अभी तक तो आपने देख ली है सिलेबस क्या है, आपको मैंने बताया कि उसमें क्या क्या कुछ पूछा जाता है. तो जो मेथोडोलॉजी जो ऑनसी है, देखिए हमारे ये नोट्स हैं कि जो आप में से परचेज करना चाहता है वो परचेज भी करता है. ठीक है, हम आपको ये नोट्स बताते हैं कि जी ये हमारे नोट्स हैं, ये आप चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपको इसके साथ साथ जो है PDF नोट्स में सब कुछ खुद प्रोवाइड कर देते हैं.
मतलब वी आर नॉट ट्रीटिंग यू एज एन यू कैन से बिजनेस मॉडल, वी विल ट्रीट यू एज एन एसेट एंड व्हाट वी एक्चुअली वांट इज योर रिजल्ट. लेकिन एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस के आ रहे हैं ये तमाम तर वो लोग हैं जो मेरे डायरेक्ट कोलीग्स रहे हैं, किसी ना किसी जगह गवर्नमेंट सर्विस में हम लोग इकट्ठे रहे, हमने सर्व किया हुआ है. हम लोगों का जो बेसिक मोटो है, जो बेसिक मॉडल है, वो ये है कि हमने आपको बेसिकली देना ही है. और वो हमने देना क्या है कि हमने आपको बगैर जो आंसर ना वो हैसल फ्री प्रिपरेशन ऐसी करवा देनी कि वो टारगेट जो आपने खुद एक साल पढ़ के या कोई 50 मार्केट की बुक्स खरीद के फिर भी अचीव नहीं करना, वी विल इनशाला प्रिपेयर यू दैट यू मे अचीव दिस टारगेट जस्ट इन 40 to 45 days इनशाला. जस्ट आपको जिस तरह हम गाइड करेंगे उसके मुताबिक आप चलेंगे. तो उसके लिए क्या है कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम आपको कॉन्सेप्चुअली जो उनसे प्रिपरेशन करवाएंगे. सो अगेन नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन. आपका ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इसमें एक तो ये ऑप्शन ये कि आपको नोट्स खरीदते हैं, उन्हें रटा लगाना शुरू कर देते हैं, और दूसरा ये ऑप्शन है कि आप कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करवाते हैं. अभी मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन कहते हैं किसे, आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि चीजें किस तरह कवर की जाती हैं, ठीक है. और हम आपको बिल्कुल बेस से फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आपकी एक एक चीज जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है उन्हें फुलफिल करवा के आपको इंशाल्लाह ताला फ्रॉम द बेस कवर करवाएंगे. और सबसे ज्यादा जैसे कि इंग्लिश की पोर्शन आजकल ज्यादा आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं जिसका आप ये देख चुके हैं, आपको जो हमारी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने आपको ब्रीफिंग दी है कि किस तरह हमारा एक सारा ये देखें, ये व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जो आपकी क्लास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं. अभी तो एक आपके सेमिनार का ग्रुप है, ये जो आपके डिफरेंट बैचेस चल रहे होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं. इसमें जरा आपके सामने स्टूडेंट के रिव्यूज भी आ रहे हैं, ये भी देखें जरा कि किस तरह जो हम पढ़ाते हैं वही जो आंसर है आपके पेपर में आया होता है. ये आपके सामने इस टाइम लिखे हुए स्टूडेंट्स के आपस में डिस्कशन, आपस में चैट. अब उसमें होता क्या कि आपके फैकल्टी मेंबर भी मौजूद होते हैं, आपकी जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वो भी 24 आवर आपसे इन टच होती है. आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई इंग्लिश का इशू आ रहा है या और किसी भी तरह किसी सब्जेक्ट का इशू आ रहा है, वो उसी टाइम आपके जो जितने भी आपके मेंटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, आपकी कोऑर्डिनेटर भी आपके पास मौजूद है, वो आपके जितने भी इश्यूज हैं वो साथ साथ उन्हें रिजॉल्व करवाया जाएगा. तो उसके बाद क्लास एक्टिविटीज एंड टेस्ट, दिस आर द यू कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. क्लास एक्टिविटीज क्या है कि हम आपको पास्ट पेपर सॉल्व भी देंगे, असाइनमेंट भी देंगे, और टेस्ट ये कि आपके वीकली टेस्ट होंगे जो चीज़ें हम आपको कवर करवाएंगे. एट द लास्ट ऑफ वीक आपका एक दिन टेस्ट भी होगा जिसमें वो चीज़ें आपकी कवर करवाई जाएंगी. तो जो अभी हमारी बेसिक डिस्कशन है ये उसका क्रक्स आपके सामने आ गया है कि आपको मटेरियल सारा हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे और वो आपके इसी फी में इंक्लूडेड है जो आप 45 डेज के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं. उस कंप्लीट पैकेज में आपका मटेरियल इन द वे इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी इंक्लूडेड है. अगर कोई हार्ड कॉपी नोट्स लेना चाहेगा वो विद फ्री डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है. उसके उसके जो चार्जेस होंगे वो आपकी जो कोऑर्डिनेटर है वो आपको बताएंगी, वो आपको उन्हें पे करने पड़ेंगे. इसी तरह क्लास लेक्चर की स्लाइड्स वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है. और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा की फीचर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सक्सेस में इस व्हाट्सएप ग्रुप जो उनसे हमारे बनते हैं स्टूडेंट्स और टीचर के इकट्ठे, इसका बहुत अहम किरदार है कि जो आप लोग डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं चीज़ें. मतलब इवन तो ऑन कैंपस मैं कहता था कि हमारी वैसी इंटरेक्शन स्टूडेंट से नहीं होती जिस तरह की ऑनलाइन में अब व्हाट्सएप ग्रुप से हो गई. और इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल गाइडेंस, आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एरिया वीक है, आप हर वक्त अपने टीचर से, अपने मेंटर से इन कॉन्टेक्ट होंगे. वो आपको उस एरिए में मजीद एक्स्ट्रा टाइम भी अगर रिक्वायर्ड हुआ तो वो प्रोवाइड करेंगे. ये हमारे नोट्स हैं जिसको मैंने हार्ड कॉपी अभी आपको दिखाई भी है. अभी हम इसको अभी देखते हैं कि हमने इन सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना है. ये उसके इंटरनल पिक्स आपके पास हैं जिस तरह इसके अंदर सारा डाटा आपको दिया गया होता है. ये आपके टाइम टेबल का मॉडल है जिस पैटर्न पे आपका टाइम टेबल बनेगा स्टूडेंट, ये आपके सामने इस टाइम. इसी तरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपका वीकली टाइम टेबल आया करेगा. ये आपके ग्रुप का नहीं है, आपके ग्रुप का टाइम टेबल अभी आपको कल आपकी क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो कल तक आपको मिल जाएगा. और जितने भी फिर आपके जो पेड स्टूडेंट हैं जो अभी तक इनरोल्ड हो चुके हैं वो उस ग्रुप में जाएंगे तो आपकी फॉर्मल क्लासेस का आगाज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस स्लाइड्स एंड नाउ वी विल गो टुवर्ड्स नोट्स. अच्छा जी, वन पेपर का हम बात कर रहे हैं. ये वन पेपर के सारे नोट सिस्टम हमारे सामने आ चुके हैं. कोई भी सब्जेक्ट जस्ट लाइक फर्स्ट वी विल सी ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसमें ये देखें कंप्यूटर फंडामेंटल्स. अब जो मैंने आपको जिस तरह के बताया कॉन्सेप्चुअली आपको प्रिपेयर करवाया, कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, अब एक एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा कि व्हाट इज इनपुट व्हाट इज आउटपुट. उसकी आपसे फिर जो एग्जांपल्स हैं ऑटोमेटिकली वो आपको जब बताई जाएंगी फिर आपको एमसीक्यूज की तरफ ले जाया जाएगा. और उस स्टेज पर आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप उन एमसीक्यूज को ईजिली कवर कर सकते होंगे. सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज इनपुट आउटपुट की तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है वो आपको इस स्टेज पर आते हैं जो आपके है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड उससे रिलेटेड.
ठीक है, तो इंशाल्लाह वो सब कुछ भी आपको इसी तरह कवर अप करवाया जाएगा। चलिए सेकंड चीज़ जो सी आपकी आती है वो जनाब आपका आ जाता है करंट अफेयर, जो आपका मेरे साथ सब्जेक्ट है। अब इसमें आप देखें तो ये हम नोट्स खोल लेते हैं कोई भी, एक स्टूडेंट ये फाइल है जो आपको मिलेगी, जिस तरह मैंने आपको बताया करंट अफेयर के 3 tiers होते हैं, 1 is national, अदर इज रीजनल एंड 3rd इज इंटरनेशनल। तो उसके अंदर से जो जीके का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ऑल टाइम करंट अफेयर, ठीक है, जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ये आज भी वही, आज से 2 साल बाद भी वही होगा। तो ये ऑल टाइम करंट अफेयर, ऑल टाइम करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये भी आपको जब कॉन्सेप्चुअली करवाएंगे तो ये आपको लाइन टू लाइन नोट्स नहीं पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको एक ट्रायल लेक्चर की वीडियो भी मिली उससे देखें कि आफ्टर 1.5 लेक्चर ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि एज एन एग्जामिनर हाउ वी विल सेट अप पेपर। जब आपको ये समझ में आ गई तो मुझे याद है आज भी मेरा एक असाइनमेंट थी यूएन का, यूनाइटेड नेशन की असाइनमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ गाना अफ्रीका में, तो हमें वो जो ओरिएंटेशन दी गई एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो एक बात जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो गोरा था, उसने कही थी कि योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू विल ऑर्गेनाइज योर वर्क। तो मुझे वो बात उसकी आज तक याद है कि योर हाफ वर्क इज डन, जब आप अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं आपको पता चल जाता है कि आपने काम को कैसे करना है। तो इंशाल्लाह वो ऑर्गेनाइज्ड वे में ही हर चीज आपको मिलेगी, ताकि आपको उससे ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। आपको जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे आपने उसके मुताबिक उसके साथ साथ चलते जाना है और चीजें इजीली कवर अप होती जाएंगी। नेक्स्ट की जाने भाई जी, ये करंट अफेयर के मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने आपको बता रहा है जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही होती है करंट अफेयर की, एक फॉर्म मैंने आपको दिखाई है जो जीके वाला है, उसके एमसीक्यू हमने आपको कैसे देने वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जनाब आपको इंग्लिश को भी एक नजर मार लें, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर के जो नोट्स आ गए जो कि आपके सर जमानुल्लाह खान जो आपको इंग्लिश करवाते हैं उनके नोट्स हैं, CSS, PMS और 1 paper सबको यही पढ़ा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टेंसेस फ्रॉम द बेस आपको चीजें कवर अप करवाई जा रही, ठीक है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट को भी एक नजर मार लेते हैं, ये आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स के, हमारा काम हो कैसे रहा होता है, नोट सारे आपके सामने हैं, ठीक है। इस्लामियात की तरफ आ जाए जी, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये देखें जी इस्लामियात की तरफ आएंगे तो आपको ये भी उसी तरह कॉन्सेप्चुअली कवर करवाया जाएगा, जस्ट लाइक वन वी आर गिविंग लेक्चर अबाउट इस्लाम, तो इस्लाम के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आपको मैं खुद ही बोल के बताऊंगा कि यही MCQs हैं जो आजकल पेपर में आ रहे हैं, ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट MCQs हैं, और ये आपने जो उनसे इसको जरा क्लीनली इन चीज़ों को जरा कवर अप करना है। और वो जो चीज़ें क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे वो इस फॉर्म में पॉइंट फॉर्म में आपके सामने चल भी रही होंगी, ताकि हर चीज़ आपको रेडी मिले, रेडी टू कुक जिस तरह होता है ना, रेडी टू कुक काम आपको मिलेगा। जस्ट आप कुकिंग ये कि विद इन 45 days आपने उन चीज़ों को अच्छी तरह ग्रैप्स करना है और उसे पेपर में इस तरह रिप्रोड्यूस कर देना है कि इंशाल्लाह अजीज टॉप पोजीशन जो सी हमारे स्टूडेंट्स की आए। नेक्स्ट की जाने भाई जी, ये दो नोट्स हमने देख लिए हैं। अच्छा जी, फिर जो वन ऑफ द अगेन साइलेंट फीचर वो ये कि आपको सॉल्व्ड पास्ट पेपर मिलेंगे हर पोस्ट के, ठीक है। हमने जर्नल अपना एक डाटा बैंक बनाया हुआ है जिसके अंदर हम पेपर सॉल्व करते रहते हैं, उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी रिसेंट एग्जाम चल रहे होते हैं उनका भी हमने ड्यूटी लगाई होती है कि जो भी आप पेपर दें वो आपने सॉल्व फॉर्म में हमें सेंड करना है, ठीक है। तो ये देखें ये किस तरह हमारे पास सारे इस फाइल में सॉल्व पेपर मौजूद है, ये आपको देंगे क्योंकि प्रैक्टिस आपकी जो सी है ना वो सॉल्व पेपर से होगी, कि जो हम करवा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप इन्हीं से देखेंगे कि क्या आपको जो करवाया जा रहा है वो कितना परसेंट जॉन्स है वो इन पेपर्स में से आ रहा है। ये सॉल्व पेपर भी इंशाल्लाह अजीज आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक फाइल मैंने आपको और दिखानी है स्टूडेंट, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड, जो आपके करंट अफेयर की जो फाइल हम खुद जिसे कंपाइल करते हैं आपके लिए, जिसके अंदर जो भी आपकी जो करंट अफेयर चल रहे होते हैं पर मंथ वो भी आपको दिए जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ था कि स्टूडेंट्स जो उनसे मार खाते थे कि एक तो पार्ट वो है जीके का जो उनको हर बुक से मिल जाना है, हर नोट से मिल जाना है, ये पार्ट वो है जो हमारी एफर्ट से आपने करना है, ये आप खुद एफर्ट से इन चीज़ों को इस तरह ट्रेस नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सेस होगी ना तो आप क्या पाक MCQs कर लेंगे बस, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें होने वाली नहीं होती। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर को ट्रेस करना पड़ता है, इंटरनेशनल मैगजीन्स को ट्रेस करना पड़ता है, अगेन पाक MCQs को भी हम कंसल्ट करते हैं। तो जितने वो सोर्सेज हैं उससे इकट्ठा करके जो आपके लिए MCQs हैं वो इसमें इकट्ठे कर दिए जाते हैं, जो आपकी लास्ट जो भी आपका लास्ट मंथ चल रहा होता है जस्ट लाइक दिसंबर तक जो उनसे वो भी आपको इन नोट्स में मिलेंगे
जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर के, जो करंट हैपनिंग चल रही होती हैं हर मंथ की, वो आपको यहाँ से मिल रही होंगी। ये आपको प्रिपेयर्ड फाइल मिलेगी। आप जो हार्ड कॉपी लेंगे उन्हें सिर्फ इसके लिए पे करना पड़ेगा। अदर देन डैट जो सॉफ्ट कॉपी है ये आपकी फी में इंक्लूडेड है। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा क्लास का, उसके अंदर आपको क्लास स्लाइड्स मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे, और इवन कि जो लेक्चर को आपका मिस हो जाता है, देखिए हमने चीज़ों को इस तरह ईज क्रिएट की है कि इवन कि अब हम इस टाइम ऑन कैंपस भी लेके चल रहे हैं, लेकिन इवन देन हम 40% ऑफ करके इसको ऑनलाइन इसलिए लेके चल रहे हैं कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता होता। जब आप सिर्फ प्रिपरेशन के लिए यहाँ आते हैं, आपके हॉस्टल के ड्यूज भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ रहना भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ड्यूज है, आपका खाना पीना है, फिर अकेडमी के ड्यूज हैं। तो हमने ऑनलाइन कोर्स को अपना इस तरह रखा है कि आप अगर घर बैठ के अगर पढ़ने वाले हैं ना, आप यू कांट इमेजिन कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 300+ स्टूडेंट जोन से ये पिछले एक साल में कोविड के दौरान जोन से पास आउट हुए हैं, और हमारा हर बैच से स्टूडेंट के भी आपने रिव्यूज देखे हैं, आपके ग्रुप में भी ये सेंड की जाएंगी आगे ये चीजें, तो आपने देखे कि हमारे हर ग्रुप से जोन से लोग क्लियर कर रहे हैं घर बैठे। तो हमने 40% उसको ऑफ करके इसलिए आपके लिए रखा है, नोट्स वगैरह इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक तो आपका टाइम बचे, आपकी एफर्ट रिड्यूस हो, और अभी आपका इंटरेक्शन जो मेरे साथ हुआ उसमें आपने देख लिया है कि जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड यू आर टेकिंग ऑल लेक्चर, पका पकाया आपको मिल रहा है, ठीक है, बस आपने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, ये चीजें आपको मिल रही हैं, उनको आपने हजम करना है और उन्हें साथ साथ कवर अप करते रहना है। और उसके साथ साथ क्योंकि इंटरनेट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, उसमें आपकी तरफ से भी इशू हो सकता है, हमारी तरफ से भी हो सकता है। अगर आपकी कोई क्लास मिस होती है, कोई आपका ऐसा इशू होता है कि आप क्लास नहीं ले पाते, तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद होंगे, ठीक है, जो भी क्लास मिस होगी उसकी रिकॉर्डिंग आप अपनी कोऑर्डिनेटर से दे सकते होंगे, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ताकि आप उस चीज़ को कवर कर दें। हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन खुदा ना खास्ता कभी नेट का इशू हो या कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आपकी क्लास जो सी वो रीशेड्यूल कर दी जाती है ताकि आपकी कोई भी क्लास जो सी है वो मिस ना हो। इस तरह जो आपको वीकली टाइम टेबल मिलेगा, ये आपके सामने आ चुका है, पहले आपकी चीज़ें देख चुके हैं, ये आपका वीकली टाइम टेबल, ये आपके बैच का नहीं किसी और बैच का, ठीक है, वो जब आपका बनेगा जो कल आपके पास ग्रुप्स में आ जाएगा, यही आपके फैकल्टी मेंबर है जो आपके पास इस टाइम आपके सामने जिनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने आपके सब्जेक्ट्स को कवर अप करवाना है, ठीक है। तो ये आपका वीकली सारा प्रोसेस है फुली ऑर्गेनाइज वे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपकी जो क्लासेज हैं वो कल से स्टार्ट हो रही हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ, इट्स नाउ योर टर्न। क्वेश्चन आप लिख के भी पूछ सकते हैं इन चैट। अच्छा जी जी सर, सीएसएस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आपका नाम? मेरा नाम सैयद अवैस गिलानी है और आई एम डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। ठीक है सर, ये पूछना था कि आप कह रहे हैं 45 डेज हैं, तो सर इसके अंदर ये इतना सिलेबस होता है कवर करने के लिए, तो उसमें अब देखो ना सर, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, कंप्यूटर की है, वर्ड एक्सेल की हो गई, पावर पॉइंट की होगी, वो इतनी ज्यादा है मेरे पास सर। ऐसे पहले भी काफी ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर और ऐसी ऐसी पीडीएफ आती हैं मेरे पास, एक 80 पेज की पीडीएफ थी और एक पेज पे 100 एमसीक्यूज है और बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है और उसमें हर टाइप के एमसीक्यूज है, करंट अफेयर पे ले लो, आप कंप्यूटर पे ले लो, साइंस पे कर लो, मैथ पे कर लो, आप हिस्ट्री मुगल जो एम्पायर हमारे गुजरे हैं उनकी ले लो, हिस्ट्री काफी आते हैं, मैं उनको पढ़ता भी हूँ, मैं काफी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी भी कर रहा हूँ उनकी, क्योंकि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिस्टम डायरेक्टर की सीट पे अप्लाई भी किया था। मेरा ये एम है कि मैं एक अपर लेवल की सीट पर जाना चाहता हूँ, मेरा एम ये कि मैं छोटी लेवल की सीट पे अप्लाई नहीं करता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ही कहता हूँ बेटा कि आप लोग जब 16 ईयर ऑफ एजुकेशन या 18 ईयर ऑफ एजुकेशन करके आते हैं तो एटलीस्ट ग्रेड 17 पे अप्लाई किया करो, ये 13-14 को तो अपने कंसीडरेशन में लाओ ही ना। बिल्कुल। तो सर मेरी एमएससी केमिस्ट्री हुई है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या है मुझे वो बताएं। मैं सर जस्ट यही कहने लगा था कि बात और ले गया, मैं कह रहा हूं ये सिलेबस कैसे कवर होगा सर, देखो आप करवा देते हैं। देखिए बेटा मैं वही चीज वही बात ना, यही तो चीज वो थी जो अभी हमारा क्रक्स है। बिल्कुल, हमने देखें व्हाट इज के हमने आपको देखें चीजें घोल के आपको देनी तो नहीं है, हमने आपको की प्रोवाइड ये भी नहीं करना हमने कि आपको कहेंगे जी आपको ये 80 पेजेस के नोट्स से ना रटा लगा लो। हमने करना क्या है कि जस्ट लाइक आप बात कर रहे हैं कि नोट्स बहुत बहुत अच्छे मार्केट में मौजूद है, हमसे अच्छे भी बहुत लोगों के होंगे, लेकिन द थिंग इज कि जब आप क्लास में आते हैं आप 45 डेज लेक्चर्स ले रहे हैं, हमने आपको ये बताना है कि उसमें क्या क्या किस ग्रेड तक इंपॉर्टेंट है,
आजकल पेपर्स के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उसके मुताबिक आपने क्या करना है, ठीक है। जस्ट लाइक आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो हर सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तो बहुत एक वास्ट, अगर आपको कंप्यूटर साइंस को कह देता है तो कंप्यूटर में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पूछता, वो सर्टन लूप होल्स या सर्टन एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि उन एरियाज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्लास में आपको करवा देनी है, और वो एक जो आपकी एक घंटे की रोज की क्लास होनी उसमें इतना कुछ करवाया जाना है कि जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिकली स्पीकिंग 45 डेज आपके हमारे पास है, उसके बाद अगर कोई 45 डेज साथ कंटिन्यूसली सही तरह से पढ़े और साथ में उसके बाद एक महीने का टाइम उसे लगता है जब वो अपनी चीजों को रिवाइज करके जो अपने मॉक एग्जाम में वो देके क्लियर अप करे, तो विद इन यू कैन से ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ्स हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर कर जाते होते हैं। ठीक हो गया सर, एक क्वेश्चन हो रहा है सर। मैंने एग्जाम दिए हैं तो मैं ना मोस्टली जहां मार खा रहा होता हूं वो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश में हर दफा वो आपकी बात से आपकी बात से बात करूं, आपने मुझे पहले कह दिया, लेकिन सर उसमें ग्रामर भी आ गई, वर्ड करेक्शन भी आ गया, स्पेलिंग करेक्शन हो गई, सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया। सर मैं ये बात करने लगा था कि सिनोनिम एंटोनिम ये तो रट्टा है, देखो सर ये तो अच्छा आप रट्टे में, बिल्कुल वेरी गुड, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब होता क्या है कि हमारा स्टूडेंट यही समझ रहे हैं कि ये रट्टा है पर ये रट्टा नहीं है। देखिए हर सब्जेक्ट का कुछ जार्गन होता है, ठीक है ना। आपने वॉइसेस ऑफ वर्ड्स है, जस्ट लाइक आपको डिफरेंस का मतलब पता है, ठीक है। अब डिफरेंस की जगह वो डेविएंस कर देता है, ठीक है। तो डिफरेंस से डेविएंस का आपने जो मीनिंग्स है वो निकालना है जी, ये तो हो गया। ये जो चीज है ना, ये चीज वो जो हमने आपको सिखानी है। रट्टा मार के तो एग्जाम हम कभी क्लियर कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका ये सेशन तो ठीक है, मतलब 45 डेज का है, और सीएसएस सेशन का कुछ बताएं, स्टार्ट हो चुका है इसके बाद होना है। सीएसएस सेशन जॉन से वो हमारे स्टार्ट होने इंशाल्लाह फ्रॉम अप्रैल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसकी रीजन की अभी तो आपको पता है, अभी तो एग्जाम गुजरे, अभी तो हमारे रिवीजन बैचेस और वो सारे जो थे वो अभी क्लोज हुए, और सीएसएस का सेशन बनता होता है आके आपका बेसिकली अप्रैल और मई से, यू कैन से अप्रैल मई जॉन से वो बनता है। लेकिन आपने अगर सीएसएस के लिए भी ज्वाइन करना है तो आई विल रिकमेंड कि आप उससे पहले अभी इस सेशन को ज्वाइन करें, आपको बेहतर बता सकते हैं कि हम सीएसएस वालों को भी आपके साथ इस सेशन पूरा पढ़ाते होते हैं ताकि उनके एमसीक्यूज कवर हो। और सर कोई ऐसा है मतलब सीन के आप सीएसएस क्लासेस वीकेंड बेस पे कोई सेशन होता है, कोई ऑनलाइन होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन भी साथ साथ रहेगा और ऑन कैंपस भी साथ साथ रहेगा, ठीक है। बल्कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ हमारे जो, क्योंकि पिछला साल तो पूरा ऑनलाइन गया, पहले तो मैं खुद भी ऑनलाइन शुरू करवाने के हक में नहीं था, लेकिन जितना वो हमारे अच्छे सेशंस गए और जितना अच्छा स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया वो आपके सामने आके सारा कि मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा उसका भी। सर इस सेमिनार यानी जो आज हो रहा है ये, इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी बिल्कुल फैसल, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ट्रायल लेक्चर आपको एक एज ए रिकॉर्डिंग फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। उसके साथ इन ये जो आपके सामने स्लाइड्स इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और कल से आपके रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट, ये अब आपके बैजेस हैं जो स्टेम स्क्रीन मैंने आपके सामने अपने व्हाट्सएप पे शेयर की हुई है। सर फीस स्ट्रक्चर इसमें मैं आपको दिखाता हूं क्या सीन है। फीस स्ट्रक्चर आपका ऑनलाइन 40% ऑफ है फैसल, 40% आपका ऑफ है ऑन ऑनलाइन सेशन। जो हमारा ऑन कैंपस फीस है वो 10,000 है, जिसके अंदर आपके मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, आपके नोट्स के चार्जेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है। और जो आपका ऑनलाइन है उसमें 40% ऑफ है, सो इट्स 6,000। ये देखें जी, लास्ट हमारा ये स्टूडेंट सेशन जो खत्म हुआ है, जो हमारा सीएसएस टेस्ट एंड रिवीजन सेशन था। अब इसमें देख लें कि ये वो सेशन था जो पूरी तरह सीएसएस का हमने ऑनलाइन कंडक्ट करवाया था। सो ये ड्यू टू कोविड इट वॉज ऑल्सो आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। और ये देखें जो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं आपके सामने, जी और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछें। आप क्वेश्चन देख के भी पूछ सकते हैं सर। कैंपस किस किस लोकेशन में है लाहौर में? इनामुल्ला बेटा कैंपस जोन से हमारे लाहौर में 4 कैंपस हैं हमारे, एक गुलबर्ग में, एक डिफेंस में, जॉर्ज टाउन में, एक वलेंसिया में।
ठीक है, लेकिन इसमें से जो आपके वन पेपर की क्लासेस हैं और सीएसएस की क्लासेस हैं, ये हमारा जो मेन कैंपस है जोहर टाउन वाला, वहां पे कंडक्ट हो रही है अभी इस वक्त। उसके साथ साथ ऑनलाइन चलेंगी आपकी सारी, मतलब जो ऑनलाइन ज्वाइन करना, ऑनलाइन भी अगर आपने अभी देखा हो हमारा सेटअप सारा, आपको खुद भी अंदाजा हो गया होगा फ्रॉम द पास्ट वन ईयर सॉरी वन आवर डिस्कशन कि हम जो उनसे ये आपका मुकम्मल सारा जो काम है इसी तरह कंडक्ट कर रहे हैं जिस तरह ऑन कैंपस कर रहे हैं। हर चीज की आपको स्लाइड मिल रही है, मुकम्मल घर बैठे आपको लेक्चर मिल रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, आप ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों में से जो ज्वाइन करना चाहेंगे वेलकम। सर जो पहले ऐड नहीं है विजन एकेडमी किसी ग्रुप में, तो वो हम फिर किस तरह से ज्वाइन करें? आपने जो आपकी कोऑर्डिनेटर है जिनका नंबर आपके साथ शेयर किया गया अभी, वन बाय वन क्वेश्चन करें प्लीज। ये आपकी कोऑर्डिनेटर है, इनसे आपका कॉन्टेक्ट करें, ये देख लें, ये अभी आपको एडमिशन फॉर्म भेजेंगी, सारा आपको प्रोसेस बताएंगी, वो भी आपके ग्रुप में आ जाना ठीक है, और आगे आपको जब सेशन चलेगा आगे। जी और किसका क्वेश्चन था, कौन पूछने लगा सर जी? जी जी सर, ये पूछना था कि जो फीस है सर, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले सबमिट करवानी है बाद में? सेशन स्टार्ट होने से पहले नॉर्मली होती, कुछ लोगों की ये पेशे आनी होती है, वो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कुछ पे करके, बाकी बाद में कर लेते हैं, तो वो तो कोई इसमें ऐसा नहीं। मतलब इसकी सर वो बन सकते हैं, चलान बन सकते हैं, डिवाइड हो सकती है, इसी तरह ही होती है ना, मतलब आपने जब अभी जिन लोगों ने एनरोलमेंट करवानी है, अभी आपको एडमिशन फॉर्म का लिंक आएगा, उसकी बेस पे आप एनरोलमेंट करवाएंगे, तो कुछ लोगों की पे मतलब जिस तरह कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं तो उनकी को एक वो वन वीक का ड्यूरेशन दे देते हैं उनको, उनकी लेट हो तो वो फिर एनरोलमेंट फी पे करके एनरोलमेंट करवा लेते हैं, तो आप इन वन वीक का फी ले लेते हैं। ठीक हो गया सर। ये जो दूसरा ऑनलाइन और ये कैंपस और इधर जो सर कैंपस में और ऑनलाइन जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है सर, इसमें सिर्फ फीस का डिफरेंट है, बाकी हमें नोट्स इसमें भी मिलेंगे? कोई डिफरेंट नोट्स आपको ऑनलाइन भी जॉन से हैं, वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलने और ऑन कैंपस भी सॉफ्ट कॉपी मिलने। अगर किसी ने उसको परचेज करना है हार्ड कॉपी में, वो फ्री डिलीवरी के साथ पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन उसके जो चार्जेस बन रहे हुए वो अराउंड 2500 है, वो आपको पे करने पड़ेंगे उसके प्रिंटिंग चार्जेस, वो पूरे नोट्स आपके पास आ जाएंगे। उसमें सर जी जितने सारे होंगे नोट्स सारे के सारे मिल जाएंगे? सारे नोट्स सारे उसमें आपको प्रिंटेड मिल जाएंगे, वैसे आपको सारे जॉन से वो विदाउट प्रिंटिंग आपको सारे मिल जाने। अगर आप खुद प्रिंट कराएं तो आपके चार्जेस ज्यादा होने, क्योंकि हमारी वो पब्लिकेशन में आ जाता है, तो आपको सस्ते मिलते हैं, तो ये इसमें डिफरेंस और कुछ भी नहीं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, फिर एक और फ्यूचर स्टूडेंट आपने जेन में रखना है, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता आफ्टर 45 डेज, अभी कोई पुराना स्टूडेंट शायद अभी भी यहाँ रिवीजन के लिए मौजूद हो, तो आपने नेक्स्ट टाइम फी नहीं पे करनी जब आपने हमें दोबारा ज्वाइन करना है, आपने सिर्फ एनरोलमेंट चार्जेस दोबारा पे करने जो उस टाइम चल रहे होंगे, माइट बी 1000 or 2000, आपने न्यू बैच जो है वो फ्री पढ़ना है इधर फॉर रिवीजन और फॉर प्रिपरेशन अगेन। ठीक है, तो ये आपके पास सब कुछ मौजूद है ऑप्शंस। एक अभी ट्रायल लेक्चर जो है वो आपको रिकॉर्डेड आपको मिल ही चुका है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क नाउ। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी सीएसएस के रिजर्व सीट जो होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से इलाके उसमें शामिल होते हैं? अच्छा, सीएसएस की रिजर्व सीट ऐसा जो पहले तो मतलब एग्जाम क्लियर ही करना होता है, उसके बाद जो आपकी सीट्स हैं उसका मेरिट बनना होता है अकॉर्डिंग टू एरियाज, जस्ट लाइक बलूचिस्तान में से सर्टन कोटा जो है वो रिजर्व होता है, वो हर ईयर रिवाइज होना होता है कि आपकी जस्ट लाइक अगर 200 सीट्स हैं तो उसके अराउंड पॉपुलेशन वाइज जो है डिवाइड कर देना कि जितनी पॉपुलेशन परसेंटेज है उसके मुताबिक आपके प्रोविजनली वो डिवाइड हो जाएंगे। उसमें सिर्फ बलूचिस्तान के इलाके शामिल है, डीजी खान, राजमपुर, ये ट्राइबल एरिया जो है सारे शामिल नहीं है? सारे देखिए बेसिक ट्राइबल एरिया शामिल है। ठीक है, आपके क्योंकि ट्राइबल एरिया केपीके में मर्ज हो चुका है आके, तो आपकी जो मेन प्रोविंसेस है उनकी सीटें डिवाइड होती है, मतलब छोटे छोटे सिटीज की नहीं होती, प्रोविंजली उसको डिवाइड करते हैं कि आपका जहाँ का डोमिसल है उसके मुताबिक उन एरियाज की सीटें फिक्स होती है, लेकिन वो उसमें ये नहीं होता कि किसी का एग्जाम क्लियर ना हो तो उसको सीट मिल जाए, एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद ही आप उसके एलिजिबल होते हैं। ठीक है सर, ओके। और कोई क्वेश्चन जी किसी का? अच्छा, इस टाइम स्टूडेंट जो आप पीएमएस में अपेयर हो रहे हैं इस दफा पंजाब के गिलगित के, उनका जीके का पार्ट जो उनसे वो भी सारा इसमें कवर होगा, सीएसएस के 220 मार्क्स के एमसीक्यूज है वो भी इधर कवर होंगे, और एफपीएससी पीपीएससी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपके इसी सेशन में होगी, और इंशाल्लाह अगर आप इसे ठीक तरह से कवर अप करते हैं तो इंशाल्लाह यू विल बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सक्सेसफुल वीएन फैमिली। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कसर कोई नहीं रहेगी, आगे आपकी एफर्ट है कि आप उसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें जैसे हम लेके चल रहे हैं, तो हर चीज़ आपके सामने, मतलब कोई ऐसी तो चीज़ नहीं, आप हमारा पेज देखें, वहाँ पर स्टूडेंट की रिकमेंडेशन देखें,
रिजल्ट्स देखें, सब कुछ आपको दिखा दिया। और कोई क्वेश्चन किसी का रहता है तो यू मे आस्क। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, होप कि आपका आज का सेशन अच्छा रहा होगा। सर जी क्वेश्चन, जी जी सर, ये जितने भी लेक्चर हैं ये मेरे रिकॉर्डिंग में मिल सकते हैं? सब लेक्चर साथ साथ रिकॉर्ड होते हैं ना, कहीं की रिकॉर्डिंग जिस तरह मतलब जिस तरह इस्लामिक स्टडी है या इंग्लिश है उनके ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके रखे हैं कि जिसका लेक्चर मिस हो उसे हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर। तो सर अगर टोटली रिकॉर्डिंग में लेने हो तो? हाँ, टोटली रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन मौजूद है, वो आपकी जो कोऑर्डिनेटर है उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बताएंगे उसकी के नोट्स और लेक्चर जो उनसे, अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग्स भी लेना चाह रहे हैं सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी नोट्स की लेना चाह रहे हैं तो उसके क्या चार्जेज हैं वो आपको वो बताएंगे। मेरे ख्याल से 4,000 थे उसके या 5,000 थे, थोड़ा ही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सर, नो मोर क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी का तो नहीं जी? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल से आपकी फर्स्ट क्लास है, बाकी आप अपनी एडमिशन फॉर्म फिल करें, इनरोलमेंट कंफर्म करें, और मिस बतूल जो आपकी स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं उनके नंबर आपके सामने आ चुके हैं, इनसे कॉन्टेक्ट करें और अपनी जो उनसे सारा प्रोसेस कम्प्लीट करें। सो सी यू इन नेक्स्ट फॉर्मल क्लास। थैंक यू।